हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं एक बहुत ही शानदार कैफे जिसका नाम है FS ओटवार्स कैफे। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया है और मैंने इसका मेन्यू वगैरह चेक किया गूगल पे, तो काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे और बहुत ही शानदार डिशेज़ हैं यहाँ पे, मोमोज, बर्गर, बहुत सारे चिकन रोल्स। तो चेक करते हैं आज वहाँ से जाकर। तो मैं तो मेट्रो से जा रहा हूँ क्योंकि गाड़ी से मेरे को बहुत दूर पड़ने वाला है साकेत से। चलते हैं, मेट्रो का रूट भी आपको दिखाएंगे और जेन्युइन रिव्यू देंगे कि खाना कैसा था। मेरे साथ दो स्पेशल गेस्ट भी हैं, जैसे ही वो मिल जाएंगे हम लोग निकलने को रेडी हो जाएंगे। तो हमारे वीडियो के दो गेस्ट ऑलरेडी मेरा वेट कर रहे हैं, बहुत डिले कर दिया इन दोनों ने। तो हमारी ऑटो की यात्रा शुरू हो चुकी है। आज थोड़ा हमें समय लगने वाला है क्योंकि मालवी नगर से हम लोग जाएंगे पश्चिम विहार वेस्ट, क्योंकि FS ओटवार्स कैफे वहीं पर है। बस खाना बढ़िया मिल जाए तो ज़िंदगी सफल हो जाएगी और ये ट्रिप भी सक्सेसफुल रहेगा। तो बात करें मेट्रो स्टेशन की, तो पश्चिम विहार वेस्ट से उतरना, हम लोग गलती से ईस्ट पे उतर गए थे। वेस्ट से आपको बहुत ही पास पड़ने वाला है FS ओटवार्स कैफे। अगर आप गाड़ी से आने वाले हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है गूगल मैप्स का, आप लोग इजीली आ सकते हो और यहाँ पे पार्किंग की भी काफ़ी अच्छी स्पेस है। घर से निकला तो मैं ये सोच रहा था कि भाई बहुत टाइम लगने वाला है, ऐसा होगा वैसा होगा, बट ईजिली हम लोगों को ऑटो वाले भैया ने बिल्कुल FS ओटवार्स कैफे के सामने उतारा और काफ़ी अच्छी स्पेस है यहाँ पे, गाड़ी वगैरह से भी आ सकते हो आप। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं पश्चिम विहार और यहाँ पे हम लोग ट्राई करने वाले हैं FS ओटवार्स कैफे का कलरफुल मोमोज सबसे पहले, और ये मेट्रो से मुश्किल से 10 मिनट का रास्ता ही है। तो फाइनली अब देखते हैं FS ओटवार्स कैफे हमारी उम्मीदों पे खड़ा उतरेगा या नहीं। शिवानंद के तो चेहरे पे रौनक आ जाती है जब भी ये देखती है कोई फास्ट फूड। यहाँ पे आज हम लोग फिर से बहुत बड़ी दुविधा में फंस जाते हैं। जब भी जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि क्या क्या खाना है, क्योंकि ये सोच के तो आए हैं कलरफुल मोमोज, बट यहाँ पे देखकर चिकन शॉर्मा भी पसंद आ रहा है, ये भी पसंद आ रहा है, सब कुछ पसंद आ रहा है। देखते हैं क्या क्या ऑर्डर करते हैं। वैरायटी तो काफ़ी अच्छी है। मोम आपको क्या ट्राई करना है? वैसे तो आपकी डाइट चल रही है, थोड़ा थोड़ा खा लूंगी आज, छूट तो दोगे? एक डिश, कोई भी एक डिश। ये आपके पास मेन्यू? नहीं, नहीं नहीं, मैं तुम दोनों से शेयर कर दूंगी। नहीं, नहीं, मेरे हिस्से में से नहीं खाना भाई। तो यार सबसे अच्छी बात में मुझे FS ओटवार्स कैफ़े की ये लगी कि यहाँ पर प्राइस रेंज काफ़ी अच्छा है। तो अभी तो हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, बट खुशी तो इस बात को देख कर है कि हम लोग बहुत कुछ ऑर्डर कर सकते हैं क्योंकि ये पॉकेट फ्रेंडली है। 90 रुपीज़ का चिकन शोरमा, मोमोज 50 रुपीज़ के हाफ, तो यार कुछ तो बात है। टेस्ट करेंगे उसके बाद बताएंगे कि क्या ये वर्थ इट था या नहीं, उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। लोकेशन की बात करें तो काफ़ी अच्छा लोकेशन है, पेड़ के नीचे आपको आराम से टेबल लगा हुआ है, आप मस्ती करो, खाना खाओ, कोल्ड ड्रिंक पियो, इट्स अ नाइस प्लेस टू हैंग आउट। अभी हमारा शॉर्मा और कलरफुल मोमोज आने वाले हैं, कलरफुल मोमोज खाने के लिए आए हैं। तो फाइनली हमारा इंतज़ार ख़त्म होता है और आ चुका है हमारा दुबई इंस्पायर्ड चिकन शोरमा। भाई साहब ये तो बहुत ही लजीज लग रहा है और आप लोग रेट देख सकते हो, सिर्फ 90 रुपीज़ यार। टेस्ट करते हैं इसे, रहा नहीं जा रहा। चिकन शोरमा अब खा के बताना कैसा लग रहा है। गरम है बहुत ज्यादा, कैसा है? अमन ने मुझे सिखाया था मुंह में होते हैं तो बात नहीं करते। तो जो चिकन है ना, वेल्टेड है ना, मतलब अमेजिंग। अमन तो स्पीचलेस है। सबसे पहले तो मैं अपने दोस्त को थैंक यू बोलना चाहता हूँ भाई, जो बताया, रिकमेंड किया। अब तो यहाँ के चक्कर लगते रहेंगे। तो मैं आज आई हूँ FS ओटवार्स और यहाँ का मैं खा रही हूँ चिकन शॉर्मा। यार बहुत अमेजिंग है, अगर कोई पश्चिम बिहार वेस्ट में रहता है नियर बाय तो इस कैफे में जरूर आना, बिकॉज टेस्ट इज सो गुड एंड अमेजिंग, मतलब डिफरेंट है, मैंने नहीं खाया कभी ऐसे शॉर्मा। अमेजिंग, आई लव इट।
खा तो लो पहले। चिकन जूसी है ना, मुंडी ला दो बस काफी है। ये ट्रीट आपके ऊपर है, आप जीते थे ना 400 मीटर 200 मीटर 100 मीटर, ये सारी ट्रीट मॉम की तरफ से है। फाइनली जिसका हमें इंतजार था, कलरफुल मोमोज वो आ चुके हैं। ट्राई कलर में है, ग्रीन ऑरेंज एंड वाइट। तो अब बात करें इसके स्टफिंग की, तो इसमें काफ़ी कुछ था यार, मतलब जैसे हम नॉर्मल मोमोज खाते हैं वैसा नहीं था। इसमें कॉर्न्स भी डले हुए थे, पनीर भी डला हुआ था, बहुत सारी चीज़ें थी। और 50 रुपीज़ की हाफ प्लेट, इट्स नॉट अ बैड आइडिया, आप लोग ट्राई कर सकते हो और अपने हिसाब से बता सकते हो। बस मुझे थोड़ी सी जो लेयरिंग थी वो थोड़ी सी मोटी लगी, बाकी तो अंदर स्टफिंग अच्छी थी। मोमोज अच्छा है। मेरा एक सिंपल सा रूल है कि अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आती है, मैं चाहता हूँ कि भाई वो हर कोई ट्राई करे। तो इतना टेस्टी चिकन शॉर्मा था, मैंने एक बार पूछा कि यार आप लोग इसमें डालते क्या हो, क्या बनाते हो, और मतलब क्या स्पाइसेस यूज़ कर रहे हो, और 90 रुपीज़ में इतना बढ़िया चिकन शॉर्मा कैसे भाई कैसे। सबको पता है चीट डे मम्मी का होना चाहिए, चीट डे दोनों का हो रहा है। देखो ये आपकी चीट है, आप जीते हो, इन तीनों में आप जीते हो ना गोल्ड मेडल, ये आपकी चीट है। आप दोनों से मैं चुप रही हूँ, कोई नहीं तुम खा लो, जी भर के खा लो, मैं पे कर दूंगी। अब हम खाएंगे चिकन मोमोज। वैसे तो मोमो सब जगह के अच्छे लगते हैं मुझे, जहाँ तक लगता है। अच्छा, अब क्या ढूंढ रहे हो मॉम? शिवांदी अब क्या ऑर्डर? जगह बची है इतना सब खाने के बाद? मैंने पूरा खा लिया, मैंने थोड़ा थोड़ा खाया, किसी और ने सबसे ज्यादा खाया है। मसाला फ्राई दिखा, शक्ल तो दिखा मुझे, बहुत गर्म है और बहुत सही है, क्रिस्पी हो रहे हैं। ट्राई कर। कैसे? यम है यार। तो इतना सब खाने के बाद हमारा पेट तो भर चुका था, फिर हमने सोचा कि एक बर्गर तो कर ही लेते हैं पापा के लिए पैक। तो अब हमारा बर्गर भी आ चुका है, बहुत ही शानदार दिख रहा है, अंदर से स्टफिंग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है, दिखाते हैं अब आपको। तो बर्गर तो हमने इसलिए लिया था ताकि हम पापा के लिए पैक करवा सकें, बट लग नहीं रहा कि हो पाएगा। एक बाइट हो ही जाए। नहीं, ये मैं पैक कराऊंगी। ये पापा के लिए? ये हम पैक करा के जाएंगे और फिर भी जाके खाएंगे। तो एक बाइट तो ले ही ले। नहीं यार, पापा ज्यादा नहीं खाते, पापा ज्यादा खाते नहीं। क्या हुआ अमन, पेट नहीं भरा तेरा? कभी नहीं भरेगा। तो फाइनली हमारी हैप्पी एंडिंग हुई है चिकन शॉर्मा बर्गर के साथ, जो कि सिर्फ 100 रुपीज का था। तो अब बात करते हैं कैफे एफएस आउटवर्ड्स आपको क्यों आना चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो शानदार चिकन शॉर्मा है उसका प्राइस 90 रुपीज़, मोमोज हाफ प्लेट 50 रुपीज़, और चिकन शॉर्मा बर्गर 100 रुपीज़। तो यहाँ पे पॉकेट फ्रेंडली भी है और आप एक फैमिली के साथ भी आ सकते हो, फ्रेंड्स के साथ भी आ सकते हो, हैंग आउट करने भी आ सकते हो। खाना अगर आपको खाना है टेस्टी तो बढ़िया कैफे है। आज तो मज़ा आ गया खाना खा के। मम्मी थैंक्स फॉर योर ट्रीट। मैंने बेल्जियम वॉफल्स भी खा लिया। मेरी सोचो ना, मेरा कल इवेंट है, तुमने मुझे सब खिला दिया। मम्मी हमने कुछ नहीं खिलाया,
सब आपने खिलाया और आपने अपनी मर्जी से खाया, ठीक है। मैं मना भी कर रहा था कि मम्मी कोई नहीं, हमें खाने दो हमें खाने दो, पर रुक ही नहीं पा रहे कोई, हम क्या करें। मत आओ भाई, पेटीएम कर दिया करो पर। चलो चलो चलो, आज का शाम तो भाई मजा आ गया। थैंक यू मोटू फॉर द ट्रीट। तो आज की शाम बहुत ही शानदार रही, क्योंकि जब आपको अच्छा खाना मिलता है तो आपके चेहरे पे एक अलग ही रौनक रहती है। तो थैंक्स टू FS Otwards कैफे जो कि हमारी उम्मीदों पे खड़ा उतरा। और भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो आपको पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, ताकि सब लोग चिकन शॉर्मा का टेस्ट ले पाएँ, और जो लोग वेजिटेरियन हैं वो फलाफल ट्राई कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसे ज़रूर ट्राई करेंगे।